भारत आज़ादी तो हुई लेकिन बहन किसी दूसरे के लिए आज़ादी हुई, कुर्ता और धोती और पैजामा वाले के लिए आज़ादी हुई। भारत में आज़ादी मिली लेकिन किसान और मजदूरों की आज़ादी नहीं मिली। आजादी के मतवालों की बहकानों की मजलूमों की ये जंग है जंगे आजादी। जो श्रम कानून को बदला जा रहा है और उसको दबाया जा रहा है हर आवाज को, आगे ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाने जाने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले वाली सरकारें भी ऐसा नहीं कर रही थी, वो भी चाहती थी कि जो श्रम कानून है वो बदल जाए। लेकिन ये जो 2014 में मोदी की सरकार आई और उसने क्या किया कि वो श्रम कानूनों को सिर्फ बदलना ही नहीं चाहते बल्कि वो उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो मजदूरों को लगातार सांप्रदायिकता के नाम पे बांट रही है, हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रही है। जब मुद्दे रोजी रोटी रोजगार के होने चाहिए तब उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जा रहा है। तो ये हड़ताल एक क्लियर मैसेज है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, संघ भाजपा को भी, कि आप देख लीजिए रोजी रोटी के मुद्दे पे मजदूर एक है, वो ना धर्म देखता है ना जाति देखता है। जब लड़ाई का वक्त आता है, जब रोजी रोटी का अधिकार मांगने का वक्त आता है तो एक होता है, सड़कों पर उतरता है। बेरोजगारी है, शिक्षा पे कहीं खर्च नहीं है, किसानों की हालत बुरी है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब झूठी अफवाहें हैं। उन बेटियों के लिए तुमने किताब नहीं पहुँचा सका अभी तक स्कूलों तक। सही सही मांगों को लेकर जब हम सामने आते, सही सही मांगों को लेकर जब हम सामने आते, इसके अपने सगे सिपाही बंदूकें ले आते, इसके अपने सगे सिपाही बंदूकें ले आते। दिल्ली सरकार के भी खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि इन दोनों ने मजदूरों का छला है, इन दोनों ने मजदूरों को अच्छे वादे कर करके, केंद्र सरकार ने बोला 15 लाख रुपया हर के खाते में आएगा, वो आज तक किसी के खाते में नहीं आया। जब 2014 में मोदी सरकार आई तो उसने ये बोला कि वो उनकी फसलों का 1.5 गुना देगी जो लागत है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो 1.5 गुना तो देना दूर रहा लेकिन जो उनकी लागत है वो भी उनको नहीं मिल रही है। दिल्ली के अंदर लगातार जो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट घोषणा पे घोषणा किए जा रही है न्यूनतम वेतन के ऊपर, लेकिन किसी भी फैक्ट्री के अंदर किसी भी जगह दिल्ली के अंदर 100% इम्प्लीमेंटेशन मिनिमम वेजेस का नहीं है। कोई भी न्यूनतम वेतन की मांग नहीं करेगा, आप फिक्स टर्म आपका एम्प्लॉयमेंट होगा, वो एक दिन के लिए भी हो सकता है, 2 महीने के लिए भी हो सकता है, मतलब जो स्थायी नौकरी है वो नहीं होगी। कि दिल्ली में लोग भूखे प्यासे रहते हैं, 7,000 पर नौकरी करते हैं, 2,000 रुपया मकान का रेंट देते हैं, 3,000 रुपया 4,000 में भोजन करते हैं, 1,500 का कपड़ा पहन करके वो दवा के लिए बेकैल रहते हैं, वो दवा नहीं करा सकते हैं, अपनी माँ बेटी बेटे को पैसा नहीं भेज सकते हैं जो वो पढ़ सके खा सके भोजन कर सके। हम अक्सर देख रहे हैं दिल्ली में खबरें आ रही हैं डोमेस्टिक वर्कर्स जो काम कर रही हैं, खासकर माइग्रेंट महिला वर्कर जो आ रही हैं, पेमेंट मांगने के लिए उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। फैक्ट्रीज़ में जो भी बेयर मिनिमम सेफ्टी प्रिकॉशन से वो नहीं ली जाती हैं, खुलेआम धड़ल्ले से मालिक जो है सो अनदेखी करते हैं लेबर लॉज की। तो ये चीज़ें दिल्ली गवर्नमेंट को ठीक करनी चाहिए। बल्कि दिल्ली सरकार को भी अगर हम देखें, ये एनजीओ परस्त सरकार है, ये ट्रेड यूनियन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसका ये था कि जब ये 2014 में आए इन्होंने बोला ठेकेदारी ख़त्म करेंगे, लेकिन ठेकेदारी तो ख़त्म नहीं किया, एक भी मजदूर ऐसा नहीं है जिसको ठेकेदारी से पक्का किया गया हो। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल एरियाज में अगर आप जाएंगे तो आपको कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं मिलेगी जहाँ मिनिमम वेजेस लागू हो रहा हो। मजदूरों को दिल्ली में पूरी सुरक्षा मिलेगी, केंद्र ने कहा कि हम पूरा राज्य का दर्जा देंगे, आज तक वो सब नहीं हुआ, ये सब छलावा है। आने वाले टाइम में यही मजदूर घर घर जा कर के इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इनकी गलत रवैया के खिलाफ हर मजदूर संघर्षित होकर के अपनी बात रखेगा। वो शराब और पैसे से बिकना जब बंद हो जाएगा तो एक हिंदुस्तान में एक नया मजदूर का राज्य होगा। दिल्ली के गद्दी पर किसान और मजदूर राज्य करेंगे और इनकी न्यूनतम मजदूरी लागू होगी, अभी कोई संभव नहीं है। हम इतने सारों को मिलिए किस अकेला खाता, हम इतने सारों को मिलिए किस अकेला खाता, और हमारे हिस्से को भी अपने घर ले जाता, और हमारे हिस्से को भी अपने घर ले जाता। जो
किसान है उसको आप सस्ता ऋण दें, बीज बीज का प्रॉफिट करें और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो डेढ़ गुना था वो दें, फिर आप महंगाई पे कंट्रोल करें, रोजगार दें, शिक्षा पर खर्च करें। वेतन तो न्यूनतम कर दी गई 13,899 रुपए किए गए, लेकिन अफसोस कि दिल्ली में सेंट्रल और भारत सरकार मोदी सरकार बैठी हुई है, दिल्ली में केजरीवाल जैसे IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर बस्ती हर जगहों पर हमारा मजदूर का जो शोषण हो रहा है उसका ठिकाना नहीं है। बवाना के अंदर जिस तरह का अग्निकांड हुआ, नरेला के अंदर आग लगा, सुल्तानपुरी के अंदर आग लगा, वहाँ कई मजदूर जल के मर गए। बवाना के अंदर जो 6 एक्यूज थे जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उनको जमानत मिल गया। अगर सरकार ने ये जो भी श्रम कानून बदलाव किए हैं या तो वापस ले लें, नहीं तो हम आगे संसद घेरने की कार्रवाई करेंगे। इस आंदोलन को खत्म नहीं किया जाएगा जब तक मजदूर किसानों स्कीम वर्कर्स का मांग पूरी नहीं हो जाती है। जितनी भी मजदूर विरोधी नीति बनाई जा रही है सबके खिलाफ, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे किसी और स्टेट की सरकार हो। जब तक मालिक की नस नस में मचा न दे भूचाल, जब तक मालिक की नस नस